Assalamualaikum. चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं मूंग की धुली हुई दाल और ये बहुत ही जायकेदार लगती है। आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा लजीज, तो आप इसको ज़रूर से बनाएं। तो मूंग की दाल है हमारे पास, हमने ये आधा कप दाल ले ली है। हमने सिर्फ थोड़ी सी ही दाल बनानी है, आधा कप यानी कि 100 ग्राम। तो हमने इसको भिगो के छोड़ दिया है आधे घंटे के लिए और अब हमने इसको पानी से बाहर कर लिया है। हम एक खाली कटोरा ले लेते हैं, उसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। इसके अंदर बहुत ही कम मसाले जाते हैं, 1 टीस्पून हम इसमें ऑनियन पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून ही हम इसमें ये जिंजर पेस्ट डाल देते हैं और 1 टीस्पून ही हम इसमें ये गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं। बहुत ही आसान है, देखने में भी सब कुछ करीब करीब बराबर सा ही जा रहा है। हम इसमें ये 1/2 टीस्पून से 1 चुटकी ज़्यादा रेड चिली डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ये धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून से भी कम आप देखेंगे बस हम ये हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि हमें पूरा जायका इस दाल का ही चाहिए, तो बहुत सारे मसालों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखें, लहसुन अदरक और प्याज और मिर्च धनिया और हल्दी, बस हम इसको पानी यूं करके ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। और हमें 1 से 2 चुटकी ज़ीरा चाहिएगा, ये हमने ज़ीरा ले लिया है छौंकने के लिए, तो बस छौंकते हैं इसको। हमने ये कुकर चढ़ा दिया है, लेकिन ये इसका ढकना है, हम इसको पॉट की तरह यूज़ करेंगे। मीडियम फ्लेम पर रख दिया है, ये गर्म भी हो गया है। 2 चुटकी हम इसमें ये ज़ीरा डाल देते हैं, हल्का सा ज़ीरे का कलर बदला यानी कि वो चटक गया, फौरन ही हम इसमें मसाला डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है। हम इसे मसाले को भुनेंगे। ये जो हमारी कटोरी है इसमें जरा सा पानी डाल देते हैं, बस इतना सा, ताकि हमारा मसाला भी वेस्ट ना जाए और इतने पानी की हमें मसाला भूनने के लिए ज़रूरत भी है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनते हैं, हमें कम से कम 5 मिनट लगेंगे, जैसा हमें मसाला चाहिए वैसा भूनने के लिए। ये देखें मसाले की आवाज़, इस तरीके का मसाला हमारा भुना हुआ चाहिए था। हमें पूरी 4 से 5 मिनट लगे हैं, ऐसा मसाला आपका बिल्कुल होना चाहिए। आवाज़ से ही पता चल जाता है कि मसाला भुन के तैयार है। ऐसे भुने हुए मसाले में तो जो भी डालेंगे लाजवाब बनेगा। दाल डाल देते हैं, पूरी पोंछ के डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं, मिक्स करते हैं इसको। ये देखें हमने इसको मिक्स कर दिया है। जितनी हमारी दाल है यानी कि 1/2 कप यानी कि 1/4 कप हम इसमें ये पानी डाल देते हैं। हमारे जैसी दाल बनानी है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हम हर बार कहते हैं, आप हमारी कोई भी डिश ट्राई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाएं। मीडियम फ्लेम है, हम इसको स्लो कर देते हैं। हमने स्लो कर दिया, अब हम इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और बीच में एक बार हम इसमें झांकेंगे। 5 मिनट कहा था, इसमें थोड़ा सा पानी था, मतलब जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं था, 2 से 3 मिनट और लगी इसे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं पकते हुए दाल को स्लो फ्लेम पर। आप देखें दाल ने हमारा ऑयल छोड़ दिया है, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा भी जाता है, ये हम आपको दिखाने के लिए चला रहे हैं, वैसे हम इसे चलाते नहीं हैं। ये देखें यूं करके इतनी खुश्क आपकी दाल होनी चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। आपके मसाले पे इस तरीके से ऑयल नहीं आया है तो आप इस पे थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा ऑयल भी आ गया है तब भी हम इसमें 1 टीस्पून तो देसी घी डालते ही हैं। तो ये हमने 1 टीस्पून इसमें देसी घी डाल दिया है और 1 चुटकी हम इसमें होममेड गरम मसाला पाउडर है वो हम डाल देते हैं। इस हम ये ढकना हटा देते हैं और इस वक्त हम इसमें लगाएंगे दम, क्योंकि हमारी दाल के अंदर थोड़ी सी कसर है, बस हम इसको थोड़ी सी हम इसमें स्टीम बनने देते हैं, सिर्फ 20 सेकंड के लिए पकाते हैं और फौरन हम अपने स्टीम को बंद कर देंगे और अपने फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको इसके स्टीम में छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद करेंगे इसको डिश आउट, दिखाते हैं आपको। सिर्फ 20 ही सेकंड चले आपको दिए, देखें इसमें अभी प्रेशर की आवाज़ भी नहीं आई है, लेकिन हमें इसमें आवाज़ लानी भी नहीं है। हम अपने फ्लेम को बंद करते हैं, हमने फ्लेम बंद कर दिया, 2 मिनट बाद दिखाते हैं आपको। 5 मिनट हो गए हैं इसे रखे हुए, खोलते हैं देखते हैं। ये देखें जैसे गरम मसाला डाला था वैसा ही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसा आप चावल हिलाते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से हिला लें, फिर उसके बाद क्या करें आप,
इस तरीके से एक दो दाने दाल के लें और देखें कि बिल्कुल परफेक्टली गला हुआ है या नहीं है। देखें इस तरीके का बिल्कुल गला हुआ, ये एकदम ऐसा होनी चाहिए आपकी दाल, इतनी गली हुई। इतनी गली हुई दाल आपकी नहीं होगी तो शायद खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और हाँ, हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल देंगे तो ये ज्यादा भी गल जाएगी। ज्यादा गल जाएगी तो देखने में इतनी अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन जायके में कोई फर्क नहीं होगा। तो आप बासानी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है, आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको और पका लीजिए। तो ये दाल आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और कहीं पर सफर में जा रहे हैं, पिकनिक पर जाना है, तो वहां के लिए तो ये लाजवाब है। ये आपके पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, खस्ता कचौरी, हर चीज के साथ ये एकदम से बढ़िया बैठेगी। तो इसको हम साइड कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं आप इस पे, बहुत ही थोड़ा सा डाल देते हैं हम। और ये देखें, जैसे चावल होते हैं मसाले के, ये उस तरीके से खिली खिली दाल आपकी होनी चाहिए और ऑयल से इस तरीके से अलग होनी चाहिए। ये देखें, इसने ऑयल अपना छोड़ दिया है या देसी घी छोड़ दिया है, इतनी खुश्क तो ये दाल होनी चाहिए। तो सिर्फ ये हमारी 100 ही ग्राम दाल है, आप इसको ज़रूर से बनाकर खाकर और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी खुश्क दाल। तो ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।